उपाय बताए जो कि कर सकते हैं दर्शक और जो समस्या उसे निजात पा सकते हैं। राशिफल का रुख कर लेते हैं आचार्य जी, चाहोगे बताएं हम दर्शकों को कैसा दिन रहने वाला है और क्या कुछ उपाय करने चाहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। आज आपके जीवन में कुछ नए बदलाव हो सकते हैं, आज कारोबार में वृद्धि हो सकती है, आज आपके जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने इस आपके रिश्ते बहुत मजबूत और बेहतर बनेंगे। आपके किसी पुराने मित्र से आज मुलाकात संभव है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि। आज घर में सगे संबंधियों के आने से खुशी का माहौल रहेगा। खुद पर भरोसा करें, जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। घर में उल्लास का माहौल आपके तनाव को कम कर देगा। कार्य क्षेत्र में आज आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि। आज आपका आत्मविश्वास और साहस चरम पर रहेगा। राजनीति या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग कई बैठकों में भाग लेंगे, आपको सम्मान मिलेगा और कुछ नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि। आज अच्छे लोगों से मुलाकात होने की संभावना है। बड़ी योजनाओं और विचारों पर बात होगी। किसी भी मौके का फायदा उठाने में देर न करें। खासतौर पर नौकरी का जो नया ऑफर आपको मिले उस पर ध्यान दें। नई प्लानिंग भी आपको आज शुरू हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि। आज आपके वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा। काम में जीवन साथी की सलाह फायदेमंद हो सकती है। बीच बीच में नई परियोजनाओं को लागू करने से आपको फायदा हो सकता है। आपके माता पिता की सेहत में सुधार होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि। आज आप जितनी अधिक मेहनत तनी बुनी चीजों से दूर रहें और रोजाना कसरत करते रहें, क्रोध के कारण साथी के साथ आपकी दूरियां बढ़ने के आसार है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि। यदि आप अपने स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं तो साझेदारी में प्रवेश करने का ये अच्छा समय है, जो भविष्य में लाभकारी होगा। अगर आप नौकरी के लिए परीक्षा का या प्रतियोगिता साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि। दोस्तों से मुलाकात होगी और मदद मिल सकती है। पैसे की स्थिति में सुधार लाने की कोशिश भी सफल हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि। आज आपका बढ़ावा मनोबल किसी जरूरी काम में आपको सफलता दिलाएगा। माता पिता के सहयोग से कारोबार के क्षेत्र में वृद्धि होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि। आज आप दूसरों के झगड़ों में ना पड़े, कारोबार के कुछ कार्य और जिम्मेदारियों को लेकर के बात करना काफी आसान होगा। बैंक से जुड़े लेन देन में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए आगे बढ़ते और बात करते हैं कुंभ राशि। आज यद्यपि आपकी माँ का स्वास्थ्य स्थिति आपको चिंतित रखेगी और आपके बच्चे भी अच्छे स्वास्थ्य में नहीं हो सकते हैं, इसे गहरी पेशेंस से इलाज की बात करें। आइए आगे बढ़ते और बात करते हैं मीन राशि। ज्यादातर मामलों में दिन अच्छा कहा जा सकता है। कठिन काम भी आसान से होने की संभावना है। करियर में आगे बढ़ने के मौके आज आपको मिल सकते हैं। ये है आज का राशिफल। बिल्कुल, राशिफल को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। हल्दी के महत्व को आपने बताया चारा जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
प्रभु श्री राम के श्री चरणों में विनीत होकर के सभी दर्शकों के लिए मंगल कामना कि आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामना के साथ श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय। भाग्यफल फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।